हेलो हेलो हेलो। तो आज मैं फाइनली अपनी दोस्त जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उससे मिलने वाली हूँ, एंड ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स के बाद। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ एंड नींद से अभी उठी हूँ, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमेशा की तरह फिर से मैं लेट हो जाऊँगी। तो मिलती हूँ उसके साथ। निकल तो गई, देन पता है क्या हुआ? आई वॉज सो अबाउट टू क्राई कि शिट यार ये क्या हो गया। मतलब 3 आवर्स मैंने वहाँ पर वेट किया एंड मैं बस यही प्रे कर रही थी कि ओ गॉड प्लीज़ एनी हाउ एनी कंडीशन मुझे उससे मिलना है, क्योंकि इतने साल के बाद मिलने के लिए आई थी। तो फिर मैं आई वॉज लाइक कि प्लीज़ 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 भगवान, ऐसे वैसे बहुत सी ट्रेन, मतलब मुझे जानी थी कोलकाता, वहाँ से उस साइड से बहुत सी ट्रेन आ रही थी, बट हमारे यहाँ से कोलकाता की ट्रेन नहीं थी। तो मतलब पूरे इवनिंग हो गया, शाम हो गया एंड सब जितने भी लोग थे ना सब वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिए थे एंड सब लोग लिटरली सब लोग घर जा रहे थे कि अब तो ट्रेन आने वाली नहीं है तो यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे और अनाउंसमेंट भी हो रहा कि ट्रेन मेगा ब्लॉक है, ये है वो है, मैं तो रोने वाली थी कि शिट अब क्या होगा। देन फाइनली अनाउंस हुआ कि ट्रेन आने वाली है, बस सो है। तो एनी हाउ जैसे तैसे मैं कोलकाता पहुँच गई एंड वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक बार कैब मैंने बुक किया तो वो एक बार कैंसिल हो रही है, फिर दूसरा बुक हो रही है, फिर वो कैंसिल हो रही है। फाइनली मुझे एक कैब मिला एंड देन मैं वहाँ पर चली एंड इतनी बारिश थी, मैं तो पूरी बारिश में भीग गई और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि मैं सुबह से लाइक मैं कुछ नहीं खाई थी एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी जिसके कारण मेरे पूरे सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैं एक रेस्टोरेंट में जाके बैठी एंड देन शी कॉल लाइक कि हाँ मैं आ गई, तुम कहाँ हो? एंड मतलब ना मुझे उससे मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी एंड आई वॉज लाइक कि अगर मुझे शर्म भी आ रही थी पता नहीं क्यों। एंड फिर हम गए मिले एंड मैं ना मतलब एसी में बहुत देर थी तो मेरी जो कैमरा की लेंस है ना वो भी ना थोड़ी ऐसे ब्लर ब्लर दिख रही, बट मैं उस पर इतने फोकस नहीं किया, बस लेकिन कहा है लक्की, कहा है लक्की एंड देन फाइनली मतलब उससे मिलके इतनी ज़्यादा, मतलब मैं ना इतनी ज़्यादा से खुश हो गई थी, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक नॉट मी लाइक वी स्टार्टेड क्राइंग एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब वो फीलिंग ही कुछ अलग ही थी, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया उससे मिलके एंड मैं तो यही प्रे कर रही थी कि वो और थोड़ी दिन रुक जाए, मैं उसे अपने घर लेके आऊँ ये वो, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से एटलीस्ट मीट तो हुआ। वो हॉस्टल की दोस्त थी ना तो बहुत क्लोज थी, बहुत मेमोरीज है हमारी, तो अब तो इतनी बात भी नहीं होती है ना क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं एंड तो बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन जब वो बातें होती हैं ना बहुत मज़ेदार बातें होती हैं। एंड अब तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो वापस से आए या फिर मैं जाऊँ उसे सरप्राइज़ करने के लिए। और मैं लवलीना, मेरी और एक फ्रेंड है जिसके लिए भी मैं बहुत वेट कर रही हूँ। हम जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोई टाइम वाइम नहीं होता है, लाइक हम स्टार्ट करते हैं बात करने के लिए तो कब रात हो जाती है कब सुबह हो जाती है, इतनी बातें होती है हमारी। तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई नो कि ये वीडियो मैं बहुत पहले मिल चुकी थी लकी से, लेकिन ये वीडियो थोड़ी एडिट वेडिट करना था एंड मैं सोच रही थी कि मैं कब ढालूँ, तो आज फ्रेंडशिप डे है तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज ही डाल देती हूँ, तो मैंने आज डाल लिया। एंड आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो एंड आपकी भी ऐसी बहुत सी मेमोरीज होंगी ना, आपकी भी मतलब कोई फ्रेंड होगा जो बहुत दूर रहते हैं आपसे एंड मतलब आपकी जो फ्रेंडशिप है वो डिस्टेंस वाली फ्रेंडशिप एंड देन फिर आप बहुत साल के बाद मिलते हैं, चलो एक साल दो साल के बाद, एक दो साल भी बहुत ही ज़्यादा है, तो उन एक दो साल के बाद भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो खुशी मतलब वो बोलते हैं ना कि हम वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, तो यही है बहुत खुशी। लाइक मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत इमोशनल थोड़ी सी हो जाती हूँ, लाइक 8 साल के बाद तो आई होप कि मैं फिर से उसे मीट करूँ एंड या दैट्स इट एंड इतनी है बस ये छोटी सी वीडियो थी उसके साथ। लाइक हम ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं लिए, मैं सबसे दुख वाली पार्ट ये है ना कि हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे पास तब फ़ोन नहीं रहता था, मतलब क्लास 6-7 ऐसे में, तो हम दोनों की ना कोई फ़ोटो भी नहीं है, पर सिर्फ एक फ़ोटो थी हमारी साथ में एंड देन अभी जब मिले तब लिए बहुत सारा। लेकिन आई रियली विश कि हम फिर से मिलें एंड जब हम फिर से मिलेंगे तो वो वाली व्लॉग मैं बहुत अच्छे से मतलब करूँगी, ये वाली में मैंने बहुत कुछ सोचा था कि सरप्राइज़ दूँगी ये वगैरह वगैरह, बट नहीं हो पाया, टाइम साथ नहीं दिया, बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मिलेंगे तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज की इतनी है, आई होप कि यू लव दिस वीडियो एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ईच एंड एवरी वन। सो या दैट्स इट, बाय, टेक केयर। हम लोग का लास्ट वीडियो क्योंकि हम अब सोने वाले हैं। लेकिन मैं आऊँगी कभी, आई विल कम एंड देन वी विल मीट अगेन, ओके?